यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की और आपने देखा हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया। देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं, वो भी संविधान पर आक्रमण है। क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए, और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, जब मणिपुर जलता है और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते, डेढ़ साल हो गए वहां तक नहीं, वहां गए नहीं, तब नरेंद्र मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।